हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम आज की डेट में काफ़ी सारी कंपनीज के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं Q4 के, तो 12 कंपनी के रिजल्ट देखेंगे। बट स्टिल दो तीन कंपनी के रिजल्ट छूट जाएंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि उनमें अभी तक रिजल्ट आए नहीं है, जैसे कि आरती इंडस्ट्री, PI इंडस्ट्रीज, इन कंपनी के रिजल्ट नहीं आए। और आरती इंडस्ट्री में बोनस का भी अनाउंसमेंट होना है, तो उससे तो देखना जरूरी है। अगर कुछ अपडेट होगा तो देखते हैं, अदरवाइज कल की डेट में, आज की डेट में ट्राई करूँगा अगर इस रिलेटेड कुछ अगर न्यूज थोड़ी बहुत देर में आ जाती है। बाकी कुछ कंपनी के रिजल्ट है जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे हम देख लेते हैं। बाकी अगर हम देखते हैं आज की डेट में काफी सारी वीडियोज आई है यहाँ पर, स्टॉक फटाफट काफी सारी मतलब न्यूज एज वेल एज शेयर से रिलेटेड बातें करी है यहाँ पर। Q4 के रिजल्ट कल की डेट के जो आए थे उनसे रिलेटेड, सॉरी आज की कल की डेट के आए थे उनसे रिलेटेड। और अगर बात करें एक शेयर जिसने 275 रुपीज का डिविडेंड प्लस स्पेशल डिविडेंड दिया, 7 टाइम्स बोनस, डेट फ्री कंपनी, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे, तो आई करिए तो उसे देख लीजिएगा वीडियो को। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज इस वीडियो को और आने दूसरी वीडियो को भी जाके देखिए और उन्हें दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करिए और दूसरे लोगों को भी हमारे चैनल के साथ कनेक्ट करिए, ताकि वो स्टॉक मार्केट के बेसिक नॉलेज के साथ मार्केट में कदम रख सके और अपने और कोई और आपके थ्रू शायद कोई राकेश झुनझुन वाला या वॉर्न बफेट आगे निकल जाए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओके, स्मॉल फाइनेंस बैंक AU के देखे थे किस तरीके से NPAs बढ़े थे, ओके, आई थिंक इक्विटास के भी आए थे। बट अगर हम बात करें यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इन लैक्स में यहाँ पर ये डिटेल्स दे रखी है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है साफ। बट अगर हम टोटल ओवरऑल इनकम की बात करते हैं तो 73,514, इससे पहले 78,875, इससे पहले 80,965। तो अगर बात करते हैं क्वार्टरली ईयरली वाइज यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो मेन इनकम होती है किसी भी बैंक की इंटरेस्ट इनकम, वो कम होती हुई हमें साफ नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और भी चीज़ों की, टोटल एक्सपेंस, तो एक्सपेंस यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं, 57,648, इससे पहले 58,000, इससे पहले 61,000। तो एक्सपेंस क्वार्टरली ईयरली वाइज यहाँ पर कम नजर आ रहे हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड, सीधे एक बार देखते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर यहां पर अगर देखते हैं तो 13,649, इससे पहले 27,883, इससे पहले 7,315। तो अगर बात करते हैं यहां पर कंपनी क्वार्टरली वाइज नेगेटिव से, जहां पर नेगेटिव रिजल्ट थे वहां से पॉजिटिव में आ गई है। इससे पहले बात करें Q4 के बेसिस पे, तो ईयरली बेसिस पे भी यहां पर कंपनी ने लगभग दोगुना परफॉर्मेंस किया है। कैसे परफॉर्मेंस किया है तो यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर प्रोविजनिंग, तो कंपनी ने प्रोविजनिंग करी है सबसे पहले, देखिए बहुत ज्यादा। अगर Q4 और लास्ट ईयर की बात करें तो 9,688 का प्रोविजनिंग थी, इससे Q3 की बात करें लास्ट क्वार्टर की तो 58,345 लाख की यहाँ पर प्रोविजनिंग थी। और इस बार तो नेगेटिव में ही प्रोविजनिंग करी है, मतलब कोई प्रोविजनिंग ही नहीं है कंपनी की तरफ, बैंक की तरफ से, तो इस वजह से 2,522। तो मतलब कंपनी अब शो कर रही है कि यहाँ हम, हमारे पास जो भी लोन है, ओके, कोई भी NPA में नहीं है, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है। इस तरीके से अगर बात करें, मतलब NPA में इन द सेंस उन्होंने प्रोविजनिंग करके नहीं चली है, उन्हें लगता है कि सब कुछ वापस आ जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पॉजिटिव में, जो कि EPS के थ्रू आपको पता चल जाएगा। 0.79 रुपीज का EPS इस बार का है, इससे पहले माइनस में था, इससे पहले 0.42 का, जो कि डबल होता हुआ ईयरली बेसिस पर नजर आ रहा है। और क्वार्टरली बेसिस पर तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस है, तो बट इस जो ये प्रोविजनिंग करके नहीं दिखा रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम शायद ज़्यादा होती हुई दिखाई दे। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रख के ही आपको इन्वेस्ट करना है। एज वेल एज अगर बात करें NPAs की, तो यहाँ पर अगर देखते हैं NPAs यहाँ पर बढ़ते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। NPA यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.96% का NPAs, यहाँ पर 7.07% का NPAs यहाँ बढ़ गया है। एज वेल एज बात करें 0.97 का EPS यहाँ पर 7.07। ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, ये एक्चुअली छोटे छोटे लोग या फिर छोटे छोटे कारोबारी होते हैं, उन्हें ही लोन देते हैं, इस वजह से इन्हें लगता है कि शायद वो लोग यहाँ पर ईजिली चुका देंगे, जैसे कि कॉरपोरेट को वो ज़्यादा लोन नहीं देते। और आजकल सारे बैंक इसी सिद्धांत पर चल रहे हैं, इस वजह से काफ़ी सारे बैंक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है आगे, बट रिजल्ट यहाँ पर अच्छे खासे आए हैं। बट यहाँ पर NPA बढ़ते हुए हमें साफ नज़र आ रहे हैं, ग्रॉस NPAs भी और नेट NPAs भी, तो थोड़ा इस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिएगा। एज वेल एज अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी ये टॉरेंट फार्मा आपको पता ही है कितना बेहतरीन स्टॉक है। डिविडेंड की बात करें 15 रुपये का डिविडेंड दिया है यहाँ पर, ये 30th of July को शायद यहाँ पर कंपनी अगर हम देखे
तो यहाँ पर मीटिंग होगी, उसके बाद ही शायद ये मिल पाएगा। फाइनल डिविडेंड है सो थोड़ा सा लेट होता है। अगर हम यहाँ पर इसके रिजल्ट से रिलेटेड बातें करते हैं तो रिजल्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आपको देखना होगा वो अगर आप जाएंगे। इन करोड्स में यहाँ पर रिजल्ट है ये इस बार के, ये Q3 ये Q4 के। तो अगर हम बात करते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रिवेन्यू की 1559 लाख करोड़ के यहाँ पर रिवेन्यू है। इससे पहले 1627 था, इससे पहले 1512 था। तो ईयरली वाइज अच्छा खासा मतलब फ्लैट है, बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर गिरावट है। एज वेल एज टोटल एक्सपेंस देखते हैं तो एक्सपेंस भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आए, 1258, इससे पहले 1288, इससे पहले 1317। इसका इफेक्ट प्रॉफिट में पड़ेगा जो कि कम शायद बढ़ता हुआ नजर आया। तो देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 279, मतलब 1 करोड़ रुपये का क्वार्टरली वाइज ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, और ईयरली वाइज भी अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्म करके दिखाया, जो कि EPS से आपको साफ पता चल जाएगी। 16.48 रुपये का EPS है, इससे पहले 16.45 था, इससे पहले 9.91 रुपये। तो ईयरली वाइज कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया और क्वार्टरली वाइज फ्लैट है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, और इस चीज़ को ध्यान में रख के आप Torrentpharma के साथ आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्टॉक भी है और प्लस में डिविडेंड भी दिया है। इससे बात कर लेते हैं टाटा DBR की, टाटा मोटर्स DBR एज वेल एज यहाँ पर टाटा मोटर्स के यहाँ पर रिजल्ट है। ओके, तो यहाँ दो रिजल्ट है, तो पहले DBR के देख लेते हैं, लगभग एक जैसे ही होंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये रिजल्ट्स इन करोड़ है, तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल इनकम। तो टोटल इनकम यहाँ बाइफर्केशन नीचे मिल जाएगा आपको JLR से रिलेटेड, या फिर जो भी मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि इनके JLR की परसेंटेज ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गई है, तो वो उसी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। टोटल इनकम की बात करें 20,305 करोड़ का है, इससे पहले 14,837, इससे पहले 10,001 करोड़ रुपीज़ के आसपास यहाँ पर टोटल इनकम थी। तो ईयरली वाइज लगभग दुगना, क्वार्टरली वाइज लगभग 50% या 60% से लगभग यहाँ पर कंपनी ने टोटल इनकम यहाँ पर ग्रो किया है। एक्सपेंस की बात करते हैं तो एक्सपेंस यहाँ पर 20,161 होते हुए दिखाई दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसके पहले बात करें 15,000 था, इससे पहले बात करें 12,216 था। तो क्वार्टरली और ईयरली वाइज एक्सपेंस भी ज़्यादा होता हुआ दिखाई दिया है, तो इसका इफेक्ट प्रॉफिट में आएगा। अगर हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पर देखिए और कंटिन्यूस ऑपरेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1645 का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया है, इससे पहले 638 का नेगेटिव में था, इससे पहले 4871। तो कंपनी नेगेटिव से प्रॉफिट में आ गई है। तो जैसे कि उन्होंने, इनके मैनेजमेंट ने कहा भी था कि 3 साल के अंदर अंदर नेट डेट फ्री कंपनी बना देंगे, तो शायद उस तरीके से ये कंपनी आगे बढ़ सकती है और कल मार्केट अच्छा खासा इन्हें वेलकम कर सकता है। यहाँ पर EPS भी देख लीजिए, नेगेटिव से सीधे पॉजिटिव में 4.37, ईयरली और क्वार्टरली वाइज यहाँ पर कंपनी ने परफॉर्म करके दिखा दिया है अपने आप को। इसके अलावा ये DVR था, इससे बात करते हैं टाटा मोटर्स की नॉर्मल, तो यहाँ पर देखिए लगभग सेम ही है इन करोड़ में अगर हम देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल इनकम, तो टोटल इनकम की बात करें 20,305, इससे 1487, इससे लगभग सेम ही, आई थिंक यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा। हाँ बिल्कुल सेम ही है। तो टाटा मोटर्स ने अगर बात करें तो अच्छे खासे यहाँ पर अगर थोड़े एक्सपेंस पे थोड़ा सा और कंट्रोल कर देते तो और बेहतरीन यहाँ पर नंबर आते हुए दिखाई देते, बट स्टिल कंपनी नेगेटिव से पॉजिटिव में आई है। दिस इज अ ग्रेट साइन, दिस इज अ गुड साइन कि कंपनी आगे चल के मैनेजमेंट ने जो कहा है शायद वो सब पूरा करती हुई दिखाई दे। रूट मोबाइल की बात करें तो शायद 2 रुपये का डिविडेंड दिया है कंपनी ने, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। बाकी अगर बात करें यहाँ पर इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं एक बार क्वार्टरली, ये इस बार के, ये Q3 के, ये Q4 के लास्ट ईयर के रिजल्ट है। अगर बात करते हैं टोटल रिवेन्यू, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 36,183, इससे पहले 39,352, इससे पहले 26,581 लाख रुपीज़। तो ईयरली वाइज तो अच्छा खासा जंप है, क्वार्टरली वाइज गिरावट है जस्ट बिकॉज ऑफ अदर इनकम। अदर इनकम यहाँ पर नेगेटिव में है, तो और यहाँ पर पहले अदर इनकम 867 की थी, यहाँ पर इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बट फिर भी कोई ज़्यादा 1,000 लाख का इफेक्ट आता, बट यहाँ पर फिर भी अगर हम बात करते हैं तो इतना खासा फिर भी कंपनी ने यहाँ पर क्वार्टरली वाइज कम परफॉर्म किया है। टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं 31,937 यहाँ पर एक्सपेंस कम हुआ है ईयर क्वार्टरली वाइज, और ईयरली वाइज यहाँ बात करें तो क्वार्टरली एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया, जिसका इफेक्ट यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड में पड़ेगा, जो कि 3547 का यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया इस बार, इससे पहले 3762, इससे पहले 1479। तो कंपनी ने क्वार्टरली वाइज गिरावट नजर आ रही है, बट ईयरली वाइज अच्छा खासा परफॉर्म किया है। तो कल की डेट में मार्केट देखिए किस तरीके से वेलकम करता है, बट स्टिल मुझे लगता है कि शायद गिरावट हो। तो यहाँ पर EPS के अंदाज़ा लगा सकते हैं, 6.17 रुपये का EPS है इस बार, इससे पहले 6.66 रुपये का था, इससे पहले 2.70 रुपये का EPS, तो इसका भी इफेक्ट है। तो ईयरली वाइज कंपनी ने परफॉर्म किया है, बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर गिरावट हमें साफ नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ज्योति लैब्स की, ज्योति लैब आपको पता ही है वो
आई थिंक मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाई थी, 150 के आसपास शेयर है और ये FMCG से रिलेटेड ये शेयर है। तो इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट दे रखे, ये स्टैंड अलोन है, ये एक कंसोलिडेट है, कोई भी पढ़ लीजिए, 19-20 का अंतर होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर टोटल इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए 49,259 रुपीज़ का यहाँ पर इनकम है, इससे पहले 47,000, इससे पहले 30 है। तो कंपनी ने ईयरली वाइज यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म किया है एज अ ऑपरेशन। बट यहाँ पर अगर बात करते हैं एक्सपेंस की, तो कंपनी ने एक्सपेंस भी ज़्यादा करते हुए दिखाई है, 43,930, इससे पहले 41, इससे पहले 36। तो कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, जिसका इफेक्ट यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में पड़ रहा है। तो अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो अभी 2,696 रुपीज़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 522 था, इससे पहले अगर बात करें 2,603। तो ईयरली वाइज तो फ्लैट आ रहा है, बट क्वार्टरली वाइज गिरावट नज़र आ रही है। किस वजह से? तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये एक्सेप्शनल आइटम का यहाँ पर एडजस्टमेंट हुआ है, इस वजह से गिरावट नज़र आ रही है। अदरवाइज कंपनी अगर एक्सेप्शनल आइटम को और जोड़ दे तो कंपनी यहाँ पर ईयरली वाइज भी शायद यहाँ पर प्रॉफिट में नज़र आती। तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, एक्सेप्शनल आइटम का यहाँ पर एडजस्टमेंट होता हुआ नज़र आया। अब एक्सेप्शनल आइटम क्या है वो चीज़ देखनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर बात करते हैं EPS की, EPS भी देखिए यहाँ पर बढ़ता, यहाँ पर क्वार्टरली वाइज गिरता हुआ नजर आ रहा है और ईयरली वाइज यहाँ पर लगभग फ्लैट है। तो कंपनी के रिजल्ट एक्सेप्शनल आइटम को अगर हटा देते तो अच्छे खासे यहाँ पर रिजल्ट हमें सामने नजर आते हैं। बात कर लेते हैं JSL इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर अगर इसके रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए इन लैक्स में ही है। यहाँ पर टोटल इनकम बात करते हैं तो लगभग 1,400 लैक्स इन रुपीज़, से पहले 1,342, इससे पहले 960। तो क्वार्टरली ईयरली वाइज यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी है, एक्सपेंस भी यहाँ पर बढ़ते ईयरली और क्वार्टरली वाइज बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो प्रॉफिट यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट हुए हैं, ओके, उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर बात करें तो 9 लाख का प्रॉफिट रह गया, इससे पहले 1,77,00,000 था, इससे पहले 19। तो ईयरली क्वार्टरली वाइज यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है, जो कि EPS में आप साफ देख सकते हैं कि 15 रुपये का EPS क्वार्टरली वाइज यहाँ पर पैसों में आ गया है, ओके, 0.79, इससे पहले बात करें 1.62 से सीधे 0.79। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर कुछ एडजस्टमेंट शायद हुए होंगे, जिस वजह से यहाँ पर सीधे यहाँ पर अगर बात करें कंपनी के एक्सपेंसेस जो हुए हैं ना वो ज़्यादा होते हुए नजर आए हैं, इस वजह से यहाँ पर कंपनी का जो डावाडोल हो गया सब चीज़। इसके अलावा अगर बात करते हैं JSL जिंदल स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड न्यूज़ की, तो इसने कंपनी ने यहाँ पर हम यहाँ पर डिविडेंड दिया है कि नहीं वो आप देख लीजिएगा, बाकी इन करोड़्स में नंबर है। यहाँ पर स्टैंड अलोन और यहाँ पर कंसोलिडेट कोई भी पढ़ लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2,782 करोड़, इससे पहले 2,846, इससे पहले 2,051। तो कंपनी ने ईयरली वाइज अच्छा खासा परफॉर्म किया, बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट नज़र आ रही है। एज वेल एज टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं, 2,500 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंस है इस बार, इससे पहले 2,600, इससे पहले 1,994। तो ईयरली वाइज तो एक्सपेंस बढ़े हैं, बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर गिरावट है। और यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात कर लेते हैं तो कंपनी का यहाँ पर 225 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले 190 करोड़ था, इससे पहले 93। तो कंपनी ने ईयरली वाइज यहाँ पर 2 गुने से ज़्यादा प्रॉफिट किया, बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर थोड़ा बहुत ही जंप है, यहाँ पर इस चीज़ को कह सकते हैं लगभग 35 करोड़ रुपये के आसपास यहाँ पर क्वार्टरली जवाइज ज़्यादा कंपनी ने अर्न किया है, जो कि आप यहाँ पर EPS में भी देख सकते हैं। 9.58 रुपये का EPS हो गया, जो कि 8.07 रुपये का था, इससे पहले 3.97 रुपये का EPS था। तो कंपनी ने ईयरली वाइज अच्छा खासा परफॉर्म किया है और क्वार्टरली वाइज भी यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्म करती हुई कंपनी नज़र आ रही है। इसके अलावा गुजरात एंड केमिकल लिमिटेड, अगर इसकी बात करते हैं ये इसके अलावा अगर बात करते हैं अल्काइल अमाइंस एंड एक और बालाजी अमाइंस था, अल्काइल्स था, तो ये शेयर भाग भागते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर देखते हैं शेयर, तो इसने 8 रुपये का डिविडेंड दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये देख लीजिए, ओके, इनकी भी मीटिंग होगी, फिर उसके बाद यहाँ पर पता चलेगी कौन सी रिकॉर्ड डेट है। इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, अगर हम देख लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पर आप देख लीजिए टोटल इनकम तो 68,000 लाख रुपीज़, से पहले 66, से पहले 63। तो कंपनी ने क्वार्टरली ईयरली वाइज अच्छा खासा परफॉर्म किया है। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं क्वार्टरली और ईयरली वाइज, इस बार 72,781 यहाँ पर एक्सपेंस हो नज़र आ रहे हैं इन लैक्स। अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो कंपनी के 3,496 लाख का प्रॉफिट है, इससे पहले 3,353, इससे पहले 1,188। कंपनी की बात करें तो लगभग ईयरली
ईयरली वाइज 3 गुना प्रॉफिट किया है, और क्वार्टरली वाइज फ्लैट कह सकते हैं, थोड़ा बहुत ही यहाँ पर इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर ईपीएस से देख सकते हैं कि 4.76 रुपये का ईपीएस है, इससे पहले 4.57 रुपये था, इससे पहले 1.62 रुपये का ईपीएस था, जो कि ईयरली वाइज बढ़ता हुआ काफ़ी नज़र आ रहा है, बट क्वार्टरली वाइज गिरावट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात एल्कलीज अच्छे खासे यहाँ पर नंबर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं कैनरा बैंक की, कैनरा बैंक भी आपको पता ही है काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक है, इन करोड़ में यहाँ पर रिजल्ट है। इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम देखते हो तो 11,747 करोड़ के यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम आई है, इससे पहले 12,000 था, इससे पहले 8,000 था, तो ईयरली वाइज अच्छा खासा यहाँ पर इंटरेस्ट आया, बट क्वार्टरली वाइज गिरावट है, जो कि यहाँ पर देखते हैं क्या डिसाइड होता है। टोटल इनकम की देखते हैं तो टोटल इनकम 21,522 करोड़ की इनकम है, इससे पहले 21,480, इससे पहले 14,222। तो अगर बात करें कंपनी ने ईयरली वाइज एज वेल एज क्वार्टरली वाइज यहाँ पर कंपनी ने परफॉर्म करके दिखाया है, और क्वार्टरली वाइज लगभग फ्लैट कह सकते हैं। या बात करते हैं यहाँ पर और भी कुछ चीज़ की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के एक्सपेंस, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं एक्सपेंसेस वगैरह, टोटल एक्सपेंसेस देख लीजिए 15,820, इससे पहले 16,000, इससे पहले 12,000, तो एक्सपेंस ईयरली वाइज बढ़े हैं और क्वार्टरली वाइज गिरावट नज़र आई है, जो कि अच्छी बात है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर प्रोविजनिंग, तो कंपनी ने प्रोविजनिंग करी है, इस चीज़ को भी देख लीजिए, कंपनी ने प्रोविजनिंग कम होती हुई दिखाई दी है, मोस्टली सभी बैंक कम दिखा रहे हैं इस बार। प्रोविजनिंग 4,134 करोड़ की, इससे पहले 4,324 था, इससे पहले 5,535, तो प्रोविजनिंग ईयरली क्वार्टरली वाइज कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर आप देख लीजिए नेट प्रॉफिट 1,010 का यहाँ पर प्रॉफिट नजर आ रहा है, जो कि ईयरली वाइज बात करें तो नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया, जो कि काफी अच्छी बात है। और क्वार्टरली वाइज में यहाँ पर जंप नजर आ रही है, 696 करोड़ के प्रॉफिट के मुताबिक 1,010 का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एनपीएस की, तो यहाँ पर एनपीएस अगर हम देखते हैं परसेंटेज ग्रॉस एनपीए, तो यहाँ पर देख लीजिए 7.46 का यहाँ पर एनपीए था, जो कि बढ़ते हुए 8.93 हो गया, लगभग यहाँ पर बढ़ गया है क्वार्टरली वाइज, ईयरली वाइज भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एज वेल एज यहाँ पर नेट एनपीए अगर बात करते हैं परसेंटेज में, 3.82 हो गया, इससे पहले 2.264 था, इससे पहले 4.22 था, तो क्वार्टरली वाइज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ईयरली वाइज घटता हुआ नजर आ रहा है। तो एनपीए के मामले में कंपनी है थोड़ा बहुत ज़्यादा एनपीएज है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। बाकी कैनरा बैंक अच्छे बैंकों में आता है, बट आपको हमेशा प्राइवेट बैंक की तरफ ज़्यादा ध्यान रुझान होना चाहिए, वहाँ पर आपको अच्छे खासे जैसे कि ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक एज वेल एज अगर बात करें कोटक महिंद्रा बैंक, इनके परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे है। एज वेल एज बात कर लेते हैं एस्ट्रल पॉली ने लास्ट टाइम आपको बोनस देती हुई कंपनी दिखाई देती, अगर बात करें 1 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड दिया है, इसके रिजल्ट की बात करूँ तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आए हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं इन मिलियंस में है। इस बार के जो यहाँ पर टोटल इनकम है 9,138 मिलियन इन रुपीज़, से पहले 6,994, इससे पहले 5,057, तो कंपनी ने ईयरली वाइज अच्छा खासा परफॉर्म किया है, क्वार्टरली वाइज यहाँ पर गिरावट है। एज वेल एज अगर बात करें टोटल एक्सपेंस की 7,211, 5,603, 4,501, तो यहाँ पर एक्सपेंस भी यहाँ पर कंपनी के बढ़ते हुए नजर आया, बट अगर ओवरऑल हम देखते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर आप देख लीजिए मतलब 1,403 मिलियन इन रुपी इसमें यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया, जो कि पहले 1,040 था, इससे पहले 390 था, तो कंपनी ने ईयरली वाइज बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाया और क्वार्टरली वाइज भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। इस चीज़ को देखना पड़ेगा, जो कि ईपीएस में साफ झलकता है, लगभग 7 रुपये का ईपीएस इस बार का है, 5.18 रुपये का लास्ट टाइम था, और 1.96 रुपये का एक साल पहले था, तो कंपनी का ईपीएस भी बढ़ता हुआ ईयरली क्वार्टरली वाइज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एस्ट्रोपॉली की तरफ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्रिंस पाइप मतलब पाइप्स के जितने भी स्टॉक है ना, मोस्टली सारे के सारे अच्छे रिजल्ट पेश कर रहे हैं, जैसे कि प्रिंस पाइप, एस्ट्रल पाइप, और अभी एक वीडियो बनाई थी अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये प्रकाश पाइप, तो ये इन कंपनियों ने अच्छे खासे रिजल्ट पेश करे हैं, तो पाइप की तरह कंपनी पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखिए एस्ट्रोपॉली के रिजल्ट अच्छे हैं, कैनरा बैंक के रिजल्ट अच्छे हैं, गुजरात एल्कलीज के अच्छे हैं, एज वेल एज अगर हम बात करते हैं जिंदल स्टेनलेस स्टील के अच्छे हैं, और अगर हम बात करते हैं GSL इंडस्ट्रीज के कुछ खास नहीं है। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ज्योति लैब्स के रिजल्ट ठीक ठाक है, यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम्स का वो हुआ है, अदरवाइज यहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट आए थे। रूट मोबाइल का यहाँ पर क्वार्टरली वाइज अच्छे रिजल्ट नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से रखिएगा। बाकी टाटा मोटर्स की बात करें, काफ़ी नेगेटिव से पॉजिटिव में कंपनी आ गई है। यहाँ पर टोरेंट फार्मा के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, तो इससे थोड़ा सा
ध्यान में रखिएगा, बड़े बैंक की तरफ ध्यान दीजिए, बाकी कंपनी ने अच्छे खासे रिजल्ट पेश करे। बाकी इसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो थी, आपको कौन से रिजल्ट अच्छे लगे तो इन कंपनी से रिलेटेड तो आप मुझे बताइए, और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन से आपके पास शेयर है एज वेल एज कौन से आप मतलब आपको कौन से रिजल्ट यहाँ पर अच्छे लगे, और दूसरे लोगों को बिल्कुल भी हमारे चैनल के साथ कनेक्ट करिए ताकि इस तरीके की वीडियो उन्हें भी मिल सके, वो भी मार्केट में आके कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर सके और बाद में आगे चल के वो भी अच्छे खासे पैसे भी कमा सके। तो अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक और कमेंट करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।